रेत सप्लाई का पेमेंट नहीं मिला तो एसआईटी बिल्डिंग पर चढ़ा सप्लायर। निर्माण कंपनी के अधिकारियों के आश्वासन के बाद उतरा युवक। सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में बन रहे शिवपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग की खिड़की पर एक युवक आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया। वह एसआईटी में रहे युवक रानू पुत्र रामदयाल राठौर उम्र 35 साल निवासी सतनवाड़ा का कहना है कि यहां कॉलेज में निर्माण काम अभिलाषा एंटरप्राइजेस कर रही है। 2.5 साल से वह यहां पर रेत की सप्लाई कर रहा है। अब तक 22 लाख रुपए की रेत कंपनी को दी जा चुकी है। इसके बाद भी अभी तक 2.5 साल बीत जाने पर पेमेंट नहीं किया गया। रानू ने कहा कि जब भी कंपनी में बात करता हूं अगली तारीख दे देते हैं। इसके चलते वो बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा हो गया। इसकी जानकारी लगते ही कंपनी के जीएम और अन्य अधिकारी पहुंचे। पेमेंट करने के आश्वासन के बाद वही रानू वहां से उतरा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। हो गए सर 10 साल। क्या नाम है तुम्हारा? रानू राठौर। कहाँ रहते हो? सतनवाड़ा। क्या परेशानी है तुम्हारी? सर मेरे पैसे रुके हुए हैं, आज 2.5 साल हो गए। कहाँ पे? ये अभिलाषा कंपनी में। अच्छा, कितने समय से आपका पैसा रुका? 2.5 साल हो गए सर। 10 लाख रुपए मुझे देना है, 22 लाख रुपए मेरा रुका है। अब मैं मारू क्या, क्या करूँगा? आत्महत्या करूँ क्या करूँगा? कच्चा वाले में मुंह में जूता दे रहा है। तो अब इनका फाइनल जवाब क्या है? वो तो 2.5 साल से यही छुट्टियां बना रहा है। आज महीने में 15 तारीख 20 तारीख 2.5 साल में ऐसे बदायत की तारीख चलती है ना, ऐसे तारीख चल रही है देने की। अब क्या करने के विचार में हो? जिनको तो कहना है टॉप से चले जाएंगे, हम क्या करें? मैं तो मरूंगा, आत्महत्या करूंगा, कॉलेज में कूद के ना। तो उसके बाद में क्या ये पैसा दे देंगे क्या? वो मरने के बाद पता पड़ेगा जी, कॉलेज बंद होगा, सील्ड होगा, जब ये पता पड़ेगा ऊपर बात पहुंचेगी कि इस कारण क्या हो जाए। वो कम से कम 25 जने इनका पैसा रुका हुआ है। ऐसा कोई भी वो नहीं है व्यक्ति, उसका पैसा नहीं होगा, उसने काम किया कॉलेज में। क्या नाम है भैया आपका? शिवम जैन मेरा नाम है। क्या परेशानी से आप कॉलेज में आए? 2.5 साल से मेरा पेमेंट रुका हुआ है। मेरी फर्म का नाम है पवन कंस्ट्रक्शन कंपनी। 2.5 साल से मैंने गिट्टी सप्लाई की थी यहाँ पे और पेबल टाइल्स भी लगाई थी मैंने यहाँ पे। क्या कहना है इनका? 2.5 साल से छुट्टियाँ बना रहे हैं ये लोगों, कुछ नहीं है। बस 5 तारीख में कर रहे हैं, 10 तारीख में कर रहे हैं, इस महीने में हो रहा है, अगले महीने में हो रहा है, 5 तारीख को हो रहा है। कल परसों ही मेरी अनुसर उनका मेन अधिकारी है यहाँ का, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि 30 तारीख तक आपका पेमेंट हो जाएगा। अब आज कॉलेज में आया तो ये लोग कह रहे हैं कि 30 अगस्त तक पेमेंट होगा। बस ऐसे ही पागल बनाया जा रहा है पर डे। 30 अगस्त में? 30 पहले 30 जुलाई का कहा था मुझसे कि परसों ही मेरी बात हुई थी अनुसर से। अभी आप 30 अगस्त के लिए संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। ब्याज दे देंगे, पागल हो गया। बाजार का जो इंटरेस्ट देना है उसका सबों का देना है। कहाँ तक पैसे रोक के रखेंगे? पेट्रोल पंप वालों को देना है, गिट्टी वालों को देना है, स्पेयर पार्ट्स वालों को देना है, कहाँ से पैसे देंगे इतना? 25 लाख रुपए बहुत बड़ी कलम होती है, कोई 25,000 रुपए नहीं है वो। सर क्या नाम है आपको? सिकंदर श्रीवास्तव। अच्छा, ये आप यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट हैं? हाँ, मैं अभिलाषा एंटरप्राइजेज की तरफ से हूँ। अच्छा, ये कुछ लोगों ने यहाँ पर रेता वगैरह का काम किया है जिनका पेमेंट 2.5 साल से अटका हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी परेशानी है जो इनका पैसा 2.5 साल से नहीं मिल पा रहा है? परेशानी एक ही है सर, जो हमारा क्लाइंट NBCC है और प्रिंसिपल क्लाइंट NTPC है, तो NTPC से पेमेंट नहीं आया। हमारा 5 करोड़ रुपया आना है उनसे, वो नहीं आने से हम आगे नीचे नहीं दे पाए। एक मेरी मजबूरी रही। तो क्या ऐसा भी होता है कि 2.5 साल तक पेमेंट नहीं? साल वो बता रहे हैं 2 करोड़ रुपए लेना है। 2 साल जो है नंबर लिया था ना, 2 साल से पेमेंट, 2 साल से पेमेंट नहीं आई है। ठीक है, जैसे ही पेमेंट हमें आती है हम पेमेंट तुरंत इमीडिएट 1 से 2 दिन के अंदर हम पेमेंट करते हैं। क्या ये आपकी बात को लेकर के ये लोग संतुष्ट हैं? पूछ लीजिए सर सबसे। संतुष्ट तो कोई भी नहीं है, 2.5 साल से बात सुनाई है, 2.5 साल से बात चल रही है सर। अगर इन लोगों में से कोई ऊंच नीच कर बैठता है तो इसके जवाबदार क्या आप होंगे? बिल्कुल कंपनी होगी सर, कंपनी की तरफ से। इन्होंने इस कॉलेज में काम किया है, ये कॉलेज का नाम क्या है? शिवपुरी इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक, अब इनका पेमेंट कब तक हो जाएगा? हमें जैसे ही पेमेंट आ जाती है। नहीं, जैसे का तो इसमें तो 2.5 साल निकल गया, तो और भी 1 साल निकल सकता है सर। हमें उम्मीद है, हम NBCC NTPC की मीटिंग चल रही है, उम्मीद है कि 30 अगस्त तक ये लोग हमें पेमेंट दे देंगे। यानी फाइनल जवाब है आपका 30 अगस्त? ये फाइनल जवाब है।